अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है। दुबई से मैं हूँ मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे गाइस ठीक होंगे। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज के लिए मैं निकल पड़ा हूँ और तैयारी करके इस वक्त मैं हूँ अल दौरा के अंदर, अजमान अल दौरा, जो कि बड़ा ही वीआईपी एरिया है। अगर थोड़ा सा मैं पी जाऊँ ना तो वहाँ पर समंदर भी है। तो अब यहाँ से बस सीधे जा रहा हम शारजा की तरफ। जुम्मे की नमाज हम इंशाल्लाह तुम्हारा शारजा में पढ़ेंगे, बिन दरवेश मस्जिद, उर्दू खुतबा इंशाल्लाह। इससे पहले गए हीरे की चाय पी के फिर जाते हैं नमाज में। बिस्मिल्लाह गरम गरम चाय और वीआईपी चाय। गाड़ी हमारी वो खड़ी है, सब गाड़ियां लाइन पे खड़ी हुई हैं चाय के लिए और वो बंद कर रहे हैं क्योंकि जुम्मे नमाज का टाइम होने वाला है। ये चेक करें, ये भी आ गए, ये अनवर, ये करीमुल्ला भाई और वो रमजान भाई, आप भी पहुंच आए हो यार, हैं मेरे पीछे पीछे हैं। चलो आज मैं इनको जुम्मे की नमाज पढ़ाता हूँ गाइस, जुम्मे की नमाज पे लेके जाता हूँ। चाय तो ले लो अपनी अपनी यार। ऐ अच्छा ड्राइव करोगे? क्या कर रहे हो? गाड़ी चेक कर यार, टाइम नहीं है, नमाज पे जाना है, टाइम नहीं है, बाद में चेक करना। करीमुल्ला भाई वो गाड़ी चेक कर रहा है गाइस, देखें इनके काम चेक करें भाई। नमाज का टाइम है, 12 बज रहे हैं, नहीं होगा ओपन अब से। हाँ सही है, अब यस हो गए हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बंद करें, चले नमाज पे चले, बंद करें यार टाइम नहीं है। चाय पिलाने के बाद मैं इनको ले आया हूँ जुम्मे नमाज के लिए। ये देखो लाइन में आ रहे हैं, लाइन में आओ शाबाश, चाय पी लिए ना, अब आओ जुम्मे की नमाज पढ़े, आ जाओ। पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा स्टार्ट होने से पहले गाइस। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज़ पढ़ लिया, जुम्मा मुबारक आप सबको। और मेरे जो साथी है ना वो लगता है गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। माशाल्लाह मज़ा आ गया गाइस, उर्दू का खुतबा सुन के ना, क्योंकि अरबी का खुतबा हमें तो समझ में नहीं आता इतना, तो ये उर्दू लैंग्वेज है वो, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ईजी मज़ा आ गया माशाल्लाह। यहाँ गाइस अभी भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, अभी भी गर्मी है, लेकिन है एंड अभी इंशाल्लाह अक्टूबर के अंदर मौसम तब्दील हो जाएगा। गाइस ये मेरे इंतज़ार में ये बैठे हैं, लाइन पे आके बैठे, जल्दी जल्दी बाहर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जुम्मा भाई, अनवर भाई कैसे, ठीक हो? खैरियत से? आओ बंजो, आओ बंजो। अल्हम्दुलिल्लाह होटल पे पहुँच गए खाना के लिए और ये देखें आ गया है हमारा मटन पुलाव बेहतरीन किस्म का। ये सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, अगर आप भी खाना है हमारा खाना तो आ जाए, नहीं तो मैं आपको चेक कराता हूँ ये प्यारे सी बोटी, ये चेक माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद सो गए थे, उसके बाद उठे असर की नमाज पढ़ी, चाय पी, अब वापसी अजमान की तरफ जाते हुए। इस वक्त मैं हूँ मोहम्मद बिन जायद रोड पे, नेशनल पॉइंट शारजा नेशनल पॉइंट से गुजर रहा हूँ। वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ नेशनल पॉइंट। काफ़ी टाइम हो गया गाइस, 5 बजने वाले हैं, 2 मिनट कम है गाइस। आज ना मेरा मछली खाने का मूड हो गया तो मैं इस वक्त पहुँचे हूँ शारजा क्लाक टावर के पास। यहाँ पे एक कदीमी मामा मछली वाला है, उस होटल पे मैं पहुँच गया हूँ माशाल्लाह। ये देखें मामा जी, दादा मछली, फ्रेश मछली। हाँ अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे गाइस आपको सिर्फ मछली ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, हर किस्म की मछली यहाँ दस्तियाब है माशाल्लाह, और वो भी फ्राई हुई तली हुई मछली माशाल्लाह। रश देखें, अब रश से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मछली वाला कितना मशहूर है। हमारा ऑर्डर आ गया, ये चेक करें माशाल्लाह, एक घंटे के बाद जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया, मज़ा यकीन करें, टाइम जित जो लगा तकरीबन एक घंटा तो पक्का पक्का ऊपर लगा मैं टोटल। तो ऑर्डर पे तकरीबन उन्होंने लगाया मेरे ख्याल में 40 मिनट, तो 20 मिनट हमने उसको खाने पे लगा दिया और वेट करते रहे क्योंकि चेयर भी खाली नहीं थे, टेबल खाली नहीं थे। मज़ा आ गया गाइस, आप भी ज़रूर विज़िट करें शारजा क्लाक टावर के साथ है, मामा मछली वाला किसी से पूछ लेंगे वो आप खिला देंगे, बहुत ही कदीमी है और बहुत ही मज़ेदार है।
اور اس کے بعد ٹھیک ہے گائز آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کر دیں، پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم.